नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। 40 दिन की सुनवाई के बाद अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद केस में 40 दिन चली सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले सुबह कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था, इस मामले में बहस आज शाम 5 बजे खत्म होगी। गौरतलब है इस केस में फैसला नवंबर में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिन रंजन गोगोई ने बुधवार को राम मंदिर बाबरी मस्जिद से संबंधित अयोध्या जमीन विवाद केस में हिंदू महासभा की हस्तक्षेप याचिका खारिज करते हुए कहा, इस मामले में बहस आज शाम 5 बजे खत्म होगी, बस अब बहुत हो गया। गौरतलब है कि आज इस केस में सुनवाई का 40वां दिन है। फैसला देने के लिए 4 हफ्तों का समय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या जमीन विवाद मामले की सुनवाई के आखिरी दिन बुधवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह द्वारा अदालत में रखे गए नक्शे व कुछ दस्तावेजों को मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने फाड़ दिया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अदालत की मर्यादा का उल्लंघन होने पर उठकर जाने की धमकी दी। सोनभद्र नरसंहार के गवाह को कांग्रेस ने बनाया पार्टी का जिला अध्यक्ष। कांग्रेस ने मंगलवार को सोनभद्र उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति के खिलाफ हुए नरसंहार मामले में गवाह रामराज गोंड को जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में राज्य के जिला व नगर अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। गौरतलब है कि जुलाई में हुए इस नरसंहार में 11 लोगों की मौत हुई थी। रामराज ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाएगी। INX मीडिया केस में तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद ईडी ने चिदंबरम को किया अरेस्ट। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने INX मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया है। बतौर रिपोर्टर्स इस दौरान उनकी पत्नी नलिनी और बेटा कार्ति चिदंबरम भी मौजूद थे। इससे पहले CBI की विशेष अदालत ने ईडी को चिदंबरम से पूछताछ करने और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार करने की अनुमति दी थी। इस मामले में 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में बंद है चिदंबरम। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।